शून्य नुकसान यह एक नया सुरक्षा संस्कृति आंदोलन है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह क्या कहता है श्रमिकों ठेकेदारों और आगंतुकों के लिए दैनिक आधार पर पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। शून्य हानि संस्कृति की अत्यधिक आलोचना की गई है क्योंकि इसे प्राप्त करना असंभव है और उम्मीद करना अवास्तविक है, फिर भी इसने नए दृष्टिकोण को अपनी विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भाव प्राप्त करने से नहीं रोका है। यहाँ आपको शून्य हानि संस्कृति के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसमें क्या शामिल है, यह कैसे काम करता है और इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश में सुरक्षा प्रबंधकों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा, इस ईयर 2023 में नेशनल डे पर सेफ्टी डे का थीम है। हमारा लक्ष्य जीरो नुकसान, आर एम जीरो हार्म, जीरो हार्म कल्चर। शून्य नुकसान यह एक नया सुरक्षा संस्कृति आंदोलन है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह क्या कहता है श्रमिकों ठेकेदारों और आगंतुकों के लिए दैनिक आधार पर पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। शून्य हानि संस्कृति की अत्यधिक आलोचना की गई है क्योंकि इसे प्राप्त करना असंभव है और उम्मीद करना अवास्तविक है, फिर भी इसने नए दृष्टिकोण को अपनी विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भाव प्राप्त करने से नहीं रोका है। यहाँ आपको शून्य हानि संस्कृति के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसमें क्या शामिल है, यह कैसे काम करता है और इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश में सुरक्षा प्रबंधकों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीरो हार्म कल्चर, दिन पर जो कहता है वह करना। सुरक्षा दृष्टिकोण के रूप में शून्य हानि संस्कृति भ्रामक रूप से सरल है। यह सरल है क्योंकि इसका वास्तव में मतलब है कि यह क्या कहता है, काम के माहौल का निर्माण करना जहां श्रमिकों और आगंतुकों को कोई नुकसान नहीं होता है। यह निश्चित रूप से भ्रामक है क्योंकि कई लोग कहेंगे कि 100% सुरक्षा दर व्यावहारिक रूप से असंभव है, फिर भी इसने व्यक्तियों और कंपनियों को वैसे भी शून्य हानि संस्कृति के दृष्टिकोण को अपनाने से नहीं रोका है, यहाँ तक कि आलोचना के बावजूद भी कि ये दृष्टिकोण पथभ्रष्ट हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि कोई भी कंपनी जो शून्य हानि संस्कृति के दृष्टिकोण को अपनाने का विकल्प चुनती है वह इन सीमाओं से अनजान है। यद्यपि असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति में भी शून्य क्षति के लिए प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। हालांकि कार्यस्थल सुरक्षा के लिए शून्य हानि लक्ष्य दर्शाता है कि एक कंपनी वास्तव में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इस बिंदु तक प्रतिबद्ध है कि यह सक्रिय रूप से असंभव को प्राप्त करने का प्रयास करती है ताकि उनके कार्यस्थल को यथासंभव सुरक्षित बनाया जा सके। जीरो हार्म कल्चर, शून्य नुकसान यह एक नया सुरक्षा संस्कृति आंदोलन है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह क्या कहता है श्रमिकों ठेकेदारों और आगंतुकों के लिए दैनिक आधार पर पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। शून्य हानि संस्कृति की अत्यधिक आलोचना की गई है क्योंकि इसे प्राप्त करना असंभव है और उम्मीद करना अवास्तविक है, फिर भी इसने नए दृष्टिकोण को अपनी विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भाव प्राप्त करने से नहीं रोका है। यहाँ आपको शून्य हानि संस्कृति के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसमें क्या शामिल है, यह कैसे काम करता है और इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश में सुरक्षा प्रबंधकों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जोखिम कम करने और घटनाओं की संख्या को किसी भी तरह कम करना। किसी भी कार्यस्थल सुरक्षा दृष्टिकोण की तरह शून्य हानि संस्कृति घटित होने वाली घटनाओं के जोखिम को कम करने के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वे होती हैं तो उनकी गंभीरता और यदि संभव हो तो कार्यस्थल दुर्घटनाओं को पहले स्थान पर टालें। शून्य हानि दृष्टिकोणों के साथ अंतर यह है कि वे यकीनन सबसे अधिक सक्रिय और मेहनती हैं, क्योंकि शून्य हानि प्राप्त करने के लक्ष्य के कारण ये दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में बहुत अधिक कठोर हैं।
कर्मियों के प्रबंधन से लेकर जोखिम प्रबंधन, रिपोर्टिंग और उससे आगे शून्य हानि संस्कृति के बारे में सब कुछ जितना संभव हो उतना उन्नत होना चाहिए। अत्याधुनिक उपकरणों और दृष्टिकोणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो समय के साथ साथ बिना परिणाम के सबसे सुसंगत कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। दम्भोंटू कार्य वातावरण में जो उत्पादकता और दक्षता को नष्ट कर देता है। असंभव सपना देखने के लिए काम पर शून्य हानि संस्कृति को अपनाना निश्चित रूप से समय और संसाधनों दोनों की एक बड़ी प्रतिबद्धता है, जो कि कई लोगों को लगता है कि एक असंभव लक्ष्य है। यह एक निश्चित रूप से क्विक्सोटिक गतिविधि है, जो वास्तव में पवन चक्कियों पर झुकने और जीतने की उम्मीद के बराबर है। फिर भी यह स्पष्ट है कि शून्य हानि में विश्वास करने वाले सबसे समर्पित सुरक्षा पेशेवर भी जानते हैं कि इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव है। शून्य हानि के समर्थकों के लिए उस मील के पत्थर तक पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि उस तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध होना, भले ही वह अवास्तविक हो। जीरो हार्म कल्चर वास्तव में इसी पर जोर देता है।